नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का एमबी न्यूज़ की स्टूडियो में और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ की फटाफट खबरें। भटकल कोरोना मामले में हुआ अचानक इजाफा, एक ही दिन में 19 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अस्पताल में वैक्सीन स्टॉक हुआ ख़त्म। भटकल के सरकारी अस्पताल में दीगर मकामात से कोरोना मरीज जेर इलाज, ऑक्सीजन और बेड की कमी से मुतासरीन कर रहे हैं भटकल का रुख। अगले 2 माह में दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड होल्डरों को मुफ्त में तकसीम किया जाएगा राशन, ऑटो टैक्सी वालों को मिलेगी 5000 रुपये, अरविंद केजरीवाल का बयान। यूपी हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला, 6 मई तक के लॉकडाउन में तोसी करके 10 मई तक बढ़ा दिया। मेक्सिको में बाईपास से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन पुल समेत गिर गई, 23 अफराद की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। चेन्नई में डीएमके की फतह के बाद पार्टी सरबरा एमके स्टालिन लेंगे 7 मई को वजीर आला का हल्फ। कोरोना बहरान मुल्क वसाइल असर नौ जमा करना होगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। मंगलूर सूरत कल पुलिस स्टेशन हदूद में शादी की तकरीब में मुतयना तादाद से जायद अफराद की शिरकत पर दर्ज किया गया मामला। ममता बनर्जी ने लगातार 3री मरतबा वजीर आला के अहदे का उठाया हल्फ, पुरतशद्दुद वाकयात को बर्दाश्त न करने और सख्त कार्रवाई करने का दिया बयान। क्या मरकजी हुकूमत चाहती है कि कर्नाटक में और ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे? ऑक्सीजन की कमी के मसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया तल्ख तबसरा, कर्नाटक का कोटा बढ़ाने की दी हिदायत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।